आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे अलहमरा आर्ट सेंटर में। इकबाल डे की मुनासबत से यौम इकबाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस वक्त मियां असलम इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चीजों को ऊपर नीचे कर देता है। इस मुल्क का आम बच्चा जब मैं देखता हूँ तो वो कूड़े के ढेर से अपना सुबह अपना रिजल्ट तलाश कर रहा होता है। ये कितनी हमारे लिए फिक्रमंद बात है। क्या पाकिस्तान इस मकसद के लिए बनाया गया? क्या इलामा इकबाल का ख्वाब इस मकसद के लिए था? क्या कायदे आजम ने जो इसकी अमली ताबीर की थी वो इस मकसद के लिए की थी, या इस मकसद के लिए की थी कि हम एक आजाद खुद मुख्तार कौम के तौर पर अपने मामला खुद देखेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम अपने मामला खुद देखें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने वसाइल में रहकर अपने मामला को देखें। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया था, हम इस मुल्क को कुछ नहीं दे सके। क्या दिया हमने इसको? जो भी आया हर किसी ने इससे ही मांगा है। इस मुल्क को हमने कुछ नहीं दिया, हमने इस मुल्क को देना है, हमने अपनी आने वाली नस्ल को तैयार करना है और उसको बताना है कि यह पाकिस्तान कितनी मुश्किलात से हासिल किया गया था, कितनी बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया था। इसलिए हासिल किया गया था ताकि हमारी आने वाली नस्ल यहां पर अपने मजहब दीन और इंसानियत के नाते जिंदगी गुजार सके। मैं ये समझता हूं कि आज के दिन के हवाले से जिस तरह जस्टिस डॉक्टर नासिर जवेद साहब ने फरमाया, साहिबा ने फरमाया कि साल में एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आज के, उसके बाद फिर किताबों में बंद करके हम रख देते हैं। इलामा इकबाल की तालीमात को आम करने की जरूरत है। और मैं यूसुफ भाई यहाँ पर तशरीफ रखते हैं मियाँ साहब, इन्होंने आज से चंद साल पहले भी बड़ी कोशिश की कि इलामा इकबाल की तालीमात को उजागर करने के हवाले से इन्होंने काफ़ी उस पर काम भी किया। ऑब्वियसली उनको एक अपनी भी एक लगन है, एक फैमिली का बैकग्राउंड है। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो आज हम यहाँ पर कह रहे हैं इनको अमली जामा बनाया जाए, ये सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद ना रह जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हुकूमत में होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने चीज़ों को आगे कैसे बढ़ना है और हमने चीज़ों को आगे कैसे लेकर जाना है। इंशाल्लाह वक्त आ गया है, अच्छा वक्त आ गया है कि हम इलामा इकबाल की तालीमात कायदे आज़म के पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाए जिनका उन्होंने ख्वाब देखा था और जिस मकसद के लिए इसकी ताबीर की थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेंटर में इकबाल डे की मुनासबत से यौम इकबाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिससे मियां असलम